गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सिबिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का फिफन स्टार्ट करते हैं। फिफन बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हमें जो क्लास कर रहे हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जिसका जो आपका एग्जाम होने वाला है नवम्बर के अंदर होगा, ये आपको अपडेट मिल चुका है। ऑलरेडी हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया यूट्यूब के अंदर, ये आपको अपडेट मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में, जो एक सब्जेक्ट आपका होता है सर्विंग, जिसका काफी अच्छा वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सर्वेइंग वाले सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्या वेटेज था 2020 तक, ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द सिविल पॉइंट ऐप में प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम सर्वेइंग वाले सब्जेक्ट को कर रहे हैं। सर्वेइंग का फ्लेवर हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे टोटल 11 चैप्टर थे, और चैप्टर 1 जो हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग, जिसके अंतर्गत हम टोटल 9 टॉपिक कवर करने वाले थे। लास्ट वाला टॉपिक एरर से रिलेटेड था, ठीक है। ये टोटल 9 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले वाले टॉपिक जो अपना है गोल ऑफ सर्वेइंग, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि गोल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। यदि आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आप देख लीजिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी, और यदि आपने आगाज बैच हमारा ज्वाइन किया है तो वहां भी आपको लेक्चर अवेलेबल हो गया है, वहां से आप कर सकते हैं। आगाज बैच के अंदर डेडिकेटेड क्लासेस चल रही हैं, टेक और नॉन टेक की दोनों की, बहुत ही शानदार फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस करवाई जा रही हैं। जो हमारी टीम है एक पुरानी ही टीम है, बहुत ही डेडिकेटेड डेडिकेशन के साथ क्लासेस ले रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है सभी फैकल्टीज को। आप सभी लेक्चर सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर चेक कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अच्छा कलेक्शन रेट था 2022 के अंदर, और डेफिनेटली 2024 के अंदर काफी अच्छा रहने वाला है। बस कंडीशन यही है कि आपको मेहनत करनी होगी, रिजल्ट आपका भी आएगा। तो चलिए आज के फिफन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने जो पहले वाला टॉपिक को डिस्कस किया था वो अपना था गोल ऑफ सर्वेइंग। अच्छा, गोल ऑफ सर्वेइंग के अंदर हमने देखा था कि सर्वे पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें सर्वे पढ़ने की फिर क्या नीड हो गई उसके बारे में। अगेन हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, अब वो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई रोड हो सकती है, ठीक है, कोई टनल हो सकती है, कोई केनाल हो सकती है, कोई ब्रिज हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कोई फ्लाईओवर हो सकती है, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। अभी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, या फिर खुद का भी आपका कोई घर बना रहे हैं, या फिर रेफिडेंशियल बिल्डिंग भी बना रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसका हमें एस्टीमेट रेडी करना होता है। क्या रेडी करना होता है? एस्टीमेट रेडी करना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आने वाला है। अब एस्टीमेट रेडी करने के लिए आपके पास प्लान या मैप होना बहुत जरूरी है। प्लान और मैप में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल परेशान मत होइए। जो ये आपका टॉपिक है ना पहले वाले चैप्टर के, जो फिक्स नंबर वाला टॉपिक है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक पर डिफरेंस होता है। बट यदि आप समझ लेते हैं ड्राइंग, आपके पास ड्राइंग का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास ड्राइंग होगी तो आसानी से आप एस्टिमेट कर पाएंगे कितना खर्चा आने वाला है इन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा। अभी ड्राइंग बनाने के लिए हमें हमारे पास सर्वेइंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सर्वेइंग का नॉलेज है तो आप आसानी से ड्राइंग को बना पाएंगे और एस्टिमेट कर पाएंगे कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आएगा। यानी कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सर्वेइंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसका अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सर्वेइंग क्या होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था। सर्वेइंग होता क्या है, हमने बताया था कि सर्वेइंग हमारा एक आर्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रिलेटिव पोजिशन पता करते हैं। अब रिलेटिव पोजिशन कहाँ पता करते हैं, कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजिशन पता करते हैं। हो सकता है वो पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, अर्थ के सरफेस के अंदर हो, अर्थ के सरफेस के थोड़ा हाइट पर हो, अर्थ के सरफेस पर हो, है ना, ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, या बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो सर्वेइंग एक आर्ट होता है जिसके अंतर्गत हम रिलेटिव पोजिशन पता करते हैं पॉइंट्स का। वो पॉइंट इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कोई बिल्डिंग है, कोई मून है, एनीथिंग, कोई स्टार है जिसको लोकेशन फिक्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ, हमें इसमें डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, और एलिवेशन मेजर करते हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट, ये आपका क्या होता है सर्वेइंग। लेक्चर 1 के अंदर हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर को देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगेन हम बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाले। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपका अगला टॉपिक रहने वाला है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, यानी आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, और इसको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ना कह करके इसको कह देते हैं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे, ठीक है। प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे का मतलब ये होता है कि सर्वे को मोटे तौर पर
कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बात हम बता देते हैं, यदि हमारी आपको स्पीड स्लो लगे तो इसको डबल स्पीड पे देखिए 1.25 या फिर 1.5 पे, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। हम अपने नॉर्मल स्पीड में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे का मतलब ये होता है कि सर्वे को मोटे तौर पर आप कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जनरली सर्वे को दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, पहला आपका होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है आपका ज्योडेटिक सर्विंग। पहला होता है प्लेन सर्विंग, दूसरा क्या होता है ज्योडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग के अंदर क्या होता है कि जब आप सर्वे वर्क करते हैं, तो अर्थ के कर्वेचर को आप कंसिडर नहीं करते हैं। और ज्योडेटिक सर्विंग के अंदर क्या होता है कि जब आप सर्वे वर्क करते हैं तो अर्थ के कर्वेचर को आप कंसिडर कर लेते हैं, अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर कर लेते हैं। जब अर्थ की बात ही हो रही है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ का जो शेप होता है क्या होता है, स्फीयर होता है। अर्थ का शेप क्या होता है, स्फीयर होगा। यदि स्फीयर होगा तो उसमें कर्वेचर का इफेक्ट आएगा। यदि अर्थ का शेप स्फीयर होगा तो उसमें कर्वेचर का इफेक्ट आएगा डेफिनेटली। और आप जो मेजरमेंट ले रहे हैं अर्थ के सरफेस पे ले रहे हैं, तो आप अर्थ का कर्वेचर होने के बावजूद भी आप कर्वेचर के इफेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्लेन सर्वेइंग होगा। हम मान लेते हैं हमारा जो अर्थ का सरफेस है ना, वो कर्व्ड सरफेस नहीं है, वो प्लेन सरफेस है। अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। और हम मान लेते हैं कि कर्व्ड नहीं है, प्लेन सरफेस है। ये आपका क्या है, प्लेन सरफेस। हम प्लेन सरफेस मान के, प्लेन सरफेस कंसिडर करके सर्वेइंग करते हैं, तो आपका प्लेन सर्वे होता है। ठीक है, जब आप अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड कर लेते हैं, उसको कंसिडर करते हुए सर्वे करते हैं, तो फिर अपन बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीजें। आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए आप प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं और आपके, आपने क्या किया, अर्थ के जो सर्फेस को आपने प्लेन माना, अर्थ के सर्फेस को आपने प्लेन माना, तो दो पॉइंट के बीच मान लीजिए आप डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो कैसी लाइन होगी, ए और बी के बीच ए आपकी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कैसी होगी, ए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये प्लेन सर्फेस में क्यों ने? हमने माना कि जो अर्थ का सर्फेस है ना, प्लेन सर्फेस है। अर्थ का जो सर्फेस है ये प्लेन सर्फेस है। यदि अर्थ का सर्फेस प्लेन सर्फेस है तो बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वेइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब मान लीजिए दो पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और अर्थ के कर्वेचर को आप इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अर्थ के कर्वेचर को आप इंक्लूड कर लेते हैं, यानी ए आपका डिस्टेंस इस तरीके से कुछ मेजर कर रहे हैं, यानी आपने कर्वेचर को, कर्वेचर के इफेक्ट को कंसिडर कर लिया, ए आपका हो जाएगा जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वेइंग। और यहाँ पर जो लाइन होगी ये आपकी कर्व्ड लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, एक कर्व्ड लाइन होगी। सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, यदि आप अभी नोट नहीं करना चाहे तो इसके लिए हमने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बना रखा है, उन नोट्स को आप देख लीजिएगा और प्रॉपर लिख लीजिएगा। अभी केवल समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स आपको ऑलरेडी हम यहाँ दे देंगे, बहुत अच्छे से हमने टाइप कर रखा है। तो दो पॉइंट के बीच यदि आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो यहाँ पर जो लाइन आती है हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इन द केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, बिकॉज हमने कंसिडर किया है कि जो अर्थ का सर्फेस है वो प्लेन सर्फेस है। लेकिन जो यदि आप अर्थ कर्वेचर को कंसिडर करते हुए सर्वे करते हैं तो जो लाइन आएगी ये लाइन आपकी कर्व्ड लाइन होगी, ये लाइन आपकी कर्व्ड लाइन होगी, और इसे बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग। अच्छा, अब अर्थ का सर्फेस हमारा कर्व है, स्फीयर है, क्योंकि अर्थ हमारी स्फीयर शेप की है, तो अब बहुत बड़े एरिया में तो अपन सर्वे नहीं कर सकते ना, प्लेन सर्वे की भाई पूरा एरिया ही प्लेन है, अपन ऐसे कंसिडर नहीं करते। यदि आपका एरिया लेस देन है, यदि आपका एरिया लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक है, तो अपन वहाँ प्लेन सर्वे कर सकते हैं। जिसके ज्यादा का एरिया है तो गो फॉर जियोडेटिक सर्वेइंग। तो अब जियोडेटिक सर्वे करते हैं, तो वी कैन से दैट कि प्लेन सर्वेइंग सुटेबल होता है स्मॉल एरियाज के लिए। अब यहाँ पर अर्थ के कर्वेचर को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है आपको कम मिलेगी, यानी आपको लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलेगा, लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलने वाला है आपको, लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलेगा, यानी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली। ठीक है, वहीं यदि देखें ज्योडेटिक सर्वे केस में तो जो आपको एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि आप अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हुए सर्वे करते हैं। इसको आप एक लार्ज एरिया में कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट और आपको बताने वाले हैं, इनको जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। प्लेन सर्वेइंग के बारे में हमने इतनी बता दी कि प्लेन सर्वेइंग के बारे में इनको आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, जप्टा मिनट, जो प्लेन सर्वेइंग होता है, प्लेन सर्वेइंग के केस में मैं थोड़ा लिख लिख के बताता हूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी चीज़ों में।
ये हमने आपके लिए टाइप कर रखा है ना, परेशान मत होइएगा, इनको समझने की कोशिश करिए। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट के बीच में जब लाइन मेजर करते हैं तो हमारी जो लाइन निकल के आती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये आपका प्लेन सर्वे के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब दो पॉइंट है ए और बी और इनके बीच की जो लाइन हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। अब मान लीजिए आप लीनियर मेजरमेंट की बात हो, यहाँ पास अब देखिए ये आपका जो मेजरमेंट आपने किया ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी आपने एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट किया, इसको अपन लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मेजरमेंट, जो कि आप अगले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल टेप की हेल्प से आपने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली। अब मान लीजिए कहीं का एरिया मेजर करना है तो आपको वहां ट्रायंगल बनाना पड़ता है, वहां के एरिया को बना मेजर करने के लिए आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब जो ट्रायंगल बनता है, जो आपका ट्रायंगल बनता है, ठीक है, अब मैं लिख ली कि बहुत सारी चीजें क्यों बताता हूँ, ताकि आप अपने कॉपी पिन को अच्छे से नोट कर पाएंगे, है ना। बाकी मैं तो इमेज बना दूंगा गूगल पे लेकर के, पर उतना क्लैरिटी नहीं आती। ये आपके तीन पॉइंट है, ए बी सी, तो ए बी बी सी और ए सी जो ये लाइन है, ये आपकी लाइन क्या होगी? ये आपकी लाइन सभी की सभी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सभी की सभी यदि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये सभी की सभी लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और यहाँ पर जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो प्लेन ट्रायंगल हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लेन ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका प्लेन सर्वेइंग के केस में होता है। लेकिन वही अब यहाँ पर जो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है, या फिर इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, वही यदि आप जियोडेटिक सर्वे केस में बात करेंगे, जियोडेटिक सर्वे की बात करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करेंगे, तो जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में क्या होगा? जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में ये आपका जो अर्थ का कर्वेचर भी आप कंसिडर कर लेंगे दो पॉइंट के बीच में। राइटिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। राइटिंग भी आपको क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी। अबे दो पॉइंट के बीच यहाँ पर जो आएगा ना, ये आपकी कर्व लाइन आएगी। क्या आएगी? दो पॉइंट के बीच जो लाइन आएगी ना, प्लेन लाइन, प्लेन स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व लाइन आएगी। एक ऐसी लाइन होगी कर्व लाइन होगी, ये तीनों जो रेड वाई लाइन है ना आपके कर्व लाइन होगी, और जो ग्रीन वाई लाइन है स्ट्रेट लाइन होगी। ये किसके केस में? जियोडेटिक सर्वे के केस में, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे के केस में, जियोडेटिक सर्वे के केस में मैं आपको थोड़ा और अच्छे से इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पास जो ना ये आपका प्लेन ट्रायंगल था, अब यहाँ पास जो बनेगा ये आपका क्या होगा? ये आपका कर्व आएगा। ये क्या आएगा? आपका कर्वेचर के इफेक्ट को कंसिडर करते हुए अपनी कर्व लाइन आप ड्रा करेंगे। ये आपका जो ट्रायंगल बनता है ना, स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। कैसा बनता है? स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। तो प्लेन सर्वे के केस में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो प्लेन ट्रायंगल बनता है, और जियोडेटिक सर्वे के केस में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है, स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई। प्लेन सर्वे के बारे में और जान लीजिए। आपको पता है कि एक आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा प्लम्बाब, आपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा वो प्लम्बाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम्बाब बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, बाकी तो उसमें लिखा हुआ है। इसमें एक रोप होती है, एक रस्सी होती है, इसमें कुछ कॉनिकल वेट सस्पेंडेड होता है, इसमें कुछ कॉनिकल वेट सस्पेंडेड होता है। ये क्या होता है? कॉनिकल वेट सस्पेंडेड होता है, इसे अपन प्लम्बाब बोलते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए स्टार बना के, प्लम प्लम्बाब। अब यहाँ पर आपने प्लम्बाब बनाया, तो प्लम्बाब क्या मेजर करता है? प्लम्बाब आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को मेजर करता है। जो प्लम्बाब होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को मेजर करता है। अब प्लेन सर्वे के केस में, प्लेन सर्वे के केस में हम आपको कुछ चीजें और बता रहे हैं, बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिएगा एक एक पॉइंट को। ये आपके मान लीजिए कोई लाइन है, ये आपकी जफ्टा मिनट, ये आपकी कोई लाइन है, ये आपकी कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन को अपन देते हैं नाम लेवल लाइन।
इस लाइन को अपन नाम देते हैं लेवल लाइन, लेवल लाइन नाम देते हैं। लेवल लाइन इतना जानने की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। ये कोई लेवल लाइन है, तो लेवल लाइन के हर एक पॉइंट पे, यहाँ पास बहुत सारे पॉइंट है जहां आपने प्लम्ब बाप को रखा, तो जो प्लम्ब बाप की जो डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को मेजर करता है। तो हर एक पॉइंट पे जो प्लम्ब बाप की लाइन होती है एक दूसरे के पैरेलल आती है, एक दूसरे के पैरेलल आती है। ये यहाँ पास अर्थ का सेंटर था, ये आपका क्या था, अर्थ सेंटर है, लेकिन अर्थ सेंटर की तरफ कॉन्फाइड नहीं कर रही है, एक दूसरे के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ये किसके केस में होता है, प्लेन सर्वेइंग के केस में होता है, प्लेन सर्वेइंग के केस में होता है। लेकिन वही जियोडेटिक सर्वे केस में हम बात करें, जियोडेटिक सर्वे के केस में हम बात करें, तो ये मान लीजिए आपका लेवल लाइन है, ये आपकी लाइन क्या है, लेवल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है। तो जिन जिन पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट पे आप प्लम्ब बाप लाइन को रखते हैं, बहुत सारे पॉइंट पे आप प्लम्ब बाप लाइन को रखते हैं, तो जो प्लम्ब बाप लाइन होती है ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या करती है, कॉन्फाइड करती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कॉन्फाइड करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। तो ये होता है आपका जियोडेटिक सर्वे केस में, किसमें होता है, जियोडेटिक सर्वे केस में। तो ये पॉइंट हमने आपको बताए हैं, आइए हम देख लेते हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट आपके लिए लिख भी रखे हैं कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जब आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर अपन प्लेन सर्वेइंग करते हैं। सुटेबल होता है इस स्मॉल एरियाज के लिए, जो हमारा एरिया कम होता है, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया है, तो अपन प्लेन सर्वे केस में जाते हैं। दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन होती है, इनकेस ऑफ प्लेन सर्वे जो प्लम्ब बाप की लाइन होती है ना, वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। इनकेस ऑफ प्लेन सर्वे जो प्लम्ब बाप लाइन होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। और प्लेन सर्वेइंग का यूज जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आपके होते हैं लार्ज स्केल में यूज करते, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, हाईवे, इन सब में यूज किया जाता है। हमने एक इमेज भी बना रखा है कि एक लेवल लाइन आपकी है, ये आपके अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो प्लम्ब बाप लाइन एक दूसरे के पैरेलल आपको दिख रही है। जितने भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो प्लेन ट्रायंगल बनते हैं, प्लेन ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे केस में बात करें तो यहाँ पर अर्थ कर्वेचर को आप कंसिडर करके सर्वे करते हैं, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर फीट जब ज्यादा एरिया होती है उसके लिए सर्वे करते हैं। दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, यहाँ पर कर्व्ड लाइन होती है जिसे आर्क कह सकते हैं, आर्क, यहाँ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलता है। जब अपन प्लेन सर्वेइंग करते हैं तो बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट फिक्स करते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में आगे पढ़ेंगे, तो उन कंट्रोल पॉइंट को फिक्स करने के लिए, ठीक है, जियोडेटिक सर्वे का यूज किया जाता है। और इसके बारे में जो डिटेल है नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो हमें बताता है। यहाँ पर जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो ट्रायंगल आपके स्फेरिकल ट्रायंगल बनते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट हमने बताई थी कि इनकेस ऑफ जियोडेटिक सर्वे जो प्लम्ब बाप की लाइन होती है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कॉन्फाइड करती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कॉन्फाइड करती है या फिर सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इंटरसेप्ट करती है, ये बातें हमने आपको बताई थी। यहाँ ये चीजें देखने को आपको मिल रही है कि हमारा लेवल सर्फेस है ना, इस पर ज्यादा मत जाइए, है ना, क्योंकि आपको डेटा मीन फी लेवल कुछ भी नहीं पता होगा यदि आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो आपको हमने जो इमेज बताई है ना उतने उसमें देख लीजिए, या फिर यहाँ पर इतना देख सकते हैं जो प्लम्ब बाप लाइन होती है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या होते हैं, कॉन्फाइड करती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या करते हैं, कॉन्फाइड करती है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे बात करने वाले हैं। उन ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पर लिख रखा है ना, अब एक्सप्लेन कर दूंगा तो इन दोनों पॉइंट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में नोट करके आपको समझना है, ठीक है, कि आप दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है। पहला मान लीजिए हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, हम लीनियर मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि एकदम आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपके पास दो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट वन, दिस इज अ पॉइंट बी। अब आपके पास दो पॉइंट है, समझिएगा अच्छे से, ये आपके पास दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन है। अब आपने जो मेजर किया है यहाँ पे यहाँ तक, ये आपने 12 किलोमीटर मेजर किया, 12 किलोमीटर कहाँ पे कहाँ तक, ए से बी तक आपने जो मेजरमेंट किया वो 12 किलोमीटर का मेजरमेंट किया। अब यहाँ पास जो आपने मेजर किया है ना, तो यहाँ पास लाइन आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन आई है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लेन सर्वे होगा, सिंपल सी बात है। ये क्या होगा आपका, प्लेन सर्वे होगा, ठीक है। क्यों प्लेन सर्वे होगा, क्योंकि आपने कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया, कर्वेचर के इफेक्ट को आपने कंसीडर ही नहीं किया है,
ठीक है। अब यहाँ पास मान लीजिए ऐसा करते हैं कि ए हम कर्वेचर के इफेक्ट को कंसिडर कर लेते हैं, 12 किलोमीटर आपने ए से बी के बीच की डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, कर्वेचर के आपने इफेक्ट को कंसिडर कर लिया, तो इसकी इसकी लेंथ कितनी बनेगी? तो हम 12 किलोमीटर पे कितना बढ़ जाता है, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। और ये आपकी लाइन कैसी हो जाएगी, कर्व्ड लाइन। और इसमें कह सकते हैं जो कर्वेचर का इफेक्ट था, कर्वेचर इफेक्ट क्या हुआ, एडेड, कर्वेचर के इफेक्ट को आपने ऐड कर लिया है, कंसीडर कर लिया, कंसीडर। तो हर एक 12 किलोमीटर के जब आप लेंथ का मेजरमेंट करते हैं ए से बी पॉइंट के बीच में, किन दो पॉइंट के बीच में, तो जो कर्वेचर का इफेक्ट जब आप कंसीडर करते हैं तो लेंथ बढ़ के आती है 1 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा 1 सेंटीमीटर। ये आपका लीनियर मेजरमेंट का हमने बता दिया, ठीक है। इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे जो लेंथ 1 सेंटीमीटर पर इंक्रीमेंट कितनी होती है, मैंने क्या बोला कि इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे लेंथ जो है ना 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट होती है प्रत्येक 12 किलोमीटर पर, प्रति 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर की लेंथ इंक्रीज होती है इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट का, यदि आप एरिया का मेजरमेंट करते हैं, आप एरिया का मेजरमेंट करते हैं, यदि आप एरिया का मेजरमेंट करते हैं, एरिया के मेजरमेंट में आपको पता होना चाहिए कि एरिया के मेजरमेंट में ध्यान में रखिएगा जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में या फिर कोई सा भी आप एग्जाम देते हो वनडे, जो छोटे जे एग्जाम होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हमारा तो टारगेट सब इंजीनियर एग्जाम है, एक एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज्यादा घुस के नहीं पढ़ेंगे लेकिन इतना पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चन आपके बन जाए, ठीक है। अब एरिया का मेजरमेंट जब आप करते हैं तो आपका क्या होता है, अब आपको किसी भी एरिया को मेजर करना है तो वहाँ ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल बनेगा तभी तो आप एरिया निकालते हैं, जब ट्राइंगल बनेगा तभी तो आप एरिया निकालते हैं, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट ट्राइंगल यहाँ पर उठा लेता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, ये आपका ट्राइंगल है। अब यहाँ पास देखिए ये ट्राइंगल है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, यहाँ पास जो एंगल बनेगा वो थीटा ए एंगल बनेगा, यहाँ पास जो एंगल बनेगा वो थीटा बी एंगल बनेगा, और यहाँ एंगल जो बनेगा वो थीटा सी एंगल बनेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, अब इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग क्या होगा, ये तीनों एंगल को अपन जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, थीटा ए थीटा बी प्लस थीटा सी, ये कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री होता है। अब यहीं पास ऐसा होता है कि बट इनके साथ जियोडेटिक सर्वे, बट इनको लिख लीजिएगा अच्छे से ना, बट इनके साथ जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। अब क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे केस में आप अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर कर लेंगे, अर्थ के कर्वेचर को आप कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पास जो ट्रायंगल था ना, यहाँ पास देखिए पहली बात जो आपने 180 डिग्री का एंगल आया है ना, ये आपका पहले ट्रायंगल किस पे था, ये आपका प्लेन ट्रायंगल था, कैसा था, प्लेन ट्रायंगल था, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अब आपने भैया बहुत अच्छा काम कर लिया, आपने क्या किया कि अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर कर लिया, ठीक है, अर्थ के कर्वेचर को भी आपने कंसिडर कर लिया है, ऐसी राइटिंग जा रही है, जस्ट अ मिनट, आपने क्या किया है, अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर कर लिया है। जब आप अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर कर लेते हैं तो जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। अब तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे, थीटा ए थीटा बी प्लस थीटा सी, ये आएगा 180 डिग्री प्लस 1 सेकंड, ठीक है, क्या आएगा 1 सेकंड। तो 180 डिग्री एंगल पे 1 सेकंड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, 1 सेकंड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पास दोनों पॉइंट में लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे। लेकिन समझाने के लिए हमने इन दोनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इनके आप जियोडेटिक सर्वे प्रत्येक 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है लीनियर मेजरमेंट में, जहां पर लेंथ का मेजरमेंट करते हैं।
अपन एरिया का मेजरमेंट करते हैं, जब प्लेन ट्रायंगल बनता है तो 180 डिग्री होगा प्लेन सर्वेइंग के केस में। इनके फॉर ज्योडेटिक सर्वे 180 डिग्री एंगल पर एक सेकंड का एंगल क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्लेन सर्वेइंग और ज्योडेटिक सर्वेइंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि प्लेन सर्वेइंग और ज्योडेटिक सर्वेइंग से बहुत सारे सवाल आते हैं। जब वो सवाल आते हैं तो आपको इनके जवाब भी पता होना चाहिए। इसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे के बारे में समझ में आ गई बात। मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, शायद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सवाल FFVJ 2019 में आया था, इन ज्योडेटिक सर्वे द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। जो ज्योडेटिक सर्वे के केस में जो अर्थ का सर्फेस होता है उसको अपन कैसे कंसिडर करते हैं, वर्टिकल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल कर्व्ड। अपन मानते हैं कर्व्ड, क्या मानते हैं कर्व, कर्व के इफेक्ट को कंसिडर कर लेते हैं इनके ऑफ ज्योडेटिक सर्वे। लेकिन वहीं लिखा होता है इन अ प्लेन सर्वे द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, तो हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, अपन प्लेन सर्फेस मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लम्ब ऑफ लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ ज्योडेटिक सर्वेइंग। मतलब हमारा ये लेवल लाइन है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, लेवल लाइन है। अब दो पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दो डिफरेंट प्लेस हो गए। ये आपका सेंटर का अर्थ है, ये क्या है, अर्थ सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। अब यहाँ पर जो प्लम्ब ऑफ लाइन होगी, यहाँ पर जो आप देखेंगे जो प्लम्ब ऑफ लाइन होगी पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पर है। जो प्लम्ब ऑफ लाइन होगी वो कैसी होगी, प्लम्ब ऑफ लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ ज्योडेटिक सर्वेइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पैरेलल टू ईच अदर, इंटरसेक्ट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे की, क्या सेंटर ऑफ अर्थ पे कौन इंटरसेक्ट करेंगी, क्या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्या अर्थ के सर्फेस को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं। ज्योडेटिक सर्वे केस में जो प्लम्ब ऑफ लाइन होती है सेंटर ऑफ अर्थ पर कॉन्फाइड करती है, मिलती है दोनों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ पर मिलती है यानी इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर दो में टिक कर देंगे। लेकिन यही लिखा होता है प्लम्ब ऑफ लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्लेन सर्वेइंग, तो प्लेन सर्वेइंग केस में जो प्लम्ब ऑफ लाइन होती है एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल आ जाता, ये आपका होता किस में, प्लेन सर्वे केस में, प्लेन सर्वे के केस में। ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल लिखा है प्लम्ब ऑफ लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्लेन सर्वेइंग, तो क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग केस में पैरेलल होती है एक दूसरे के। ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये आपके प्लेन सर्वेइंग का कॉन्सेप्ट, ज्योडेटिक सर्वेइंग वाला कॉन्सेप्ट यहीं एंड होता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो सर्वे का क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जिसे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे सवाल आएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के अंदर जो सर्वे को अलग अलग तरीके से अपन कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग तरीके से अपन क्लासीफाई करते हैं, कैसे, देखिए पहला हमने जो सर्वे को क्लासीफाई किया है नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर, कि हमारे जो ग्राउंड सर्फेस, जो हमारा फील्ड का नेचर है, फील्ड का नेचर किस तरीके से है, तो नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर हमने क्लासीफाई किया, जिसमें हमने देखा कि हमने तीन टाइप ऑफ सर्वे को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। पहला अपन जो करते हैं वो नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर होता है, नेचर ऑफ द फील्ड जो आप आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा होता है पर्पज, आपका पर्पज क्या सर्वे करने का, या फिर इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तीसरा हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, क्या देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। और जो फोर्थ होता है सिस्टम ऑफ सर्वे के आधार पर, क्या होता है, सिस्टम ऑफ सर्वे के आधार पर। अब जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है सर्वे का, उसे चार तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम नेचर ऑफ द फील्ड में हमने देखा कि ये आपके तीन टाइप के सर्वे होते हैं, लैंड सर्वे, मेरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। अब लैंड सर्वे में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे आपका टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, टेरिस्ट्रियल सर्वे होता है, सिटी सर्वे होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, क्या क्या मैंने बताया, लैंड सर्वे में आपका टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, हाइड्रोग्राफिक नहीं होता, टोपोग्राफिक, कैडेस्ट्रल, सिटी और आपका एफ, इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह आ जाते हैं, अभी एक एक करके हम देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ये आपके तीन टाइप के सर्वे को हमने क्लासीफाई किया है, आप ठीक है, सर्वे को हमने तीन टाइप से क्लासीफाई किया है।
सर्वे को हमने तीन टाइप से क्लासिफाई किया है। लैंड सर्वे में टोपोग्राफिकल होता है, कैडेस्ट्रल होता है, फ्यूटी होता है। टोपोग्राफिकल होता है, कैडेस्ट्रल होता है, फ्यूटी होता है। ये आपका इंजीनियरिंग सर्वे नहीं है, बाई मिस्टेक आपका टाइपिंग हो गई है, इसको छोड़ दीजिएगा। या फिर आपको अच्छा ना लग रहा हो तो मैं इसको एडिट भी कर देता हूँ यहाँ पर। कोई नहीं, एडिट नहीं हो रहा है, आपको ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो आपका इंजीनियरिंग सर्वे है इसमें नहीं आता, ठीक है। तो लैंड सर्वे को अपन तीन टाइप से अगेन क्लासिफाई करते हैं, टोपोग्राफिकल होता है, कैडेस्ट्रल होता है, फ्यूटी सर्वे होता है। अब इनको अच्छे से देखना है आपको, इनको एक एक करके अच्छे से देखना है, इनको अच्छे समझना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जस्ट अ मिनट, कोई नहीं, एक एक करके देख लेते हैं सबको, ठीक है। एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे। अच्छा, टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या क्या करते हैं, टोपोग्राफी के बारे में देखते हैं। मतलब इसके अंदर अपन जो स्टडी करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे का, मतलब होता है जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। उस एरिया का जनरल टोपोग्राफी क्या है, मतलब वहाँ कुछ नेचुरल फीचर होंगे। मैं यहाँ कुछ कुछ चीज़ें लिख के बता देता हूँ, कुछ नेचुरल फीचर आपको देखने को मिलेंगे, नेचुरल फीचर। अब नेचुरल फीचर्स में क्या क्या हो सकता है, कुछ आपको नेचुरल फीचर देखने को मिलेंगे। मान लीजिए वहाँ कोई रिवर निकली है, वहाँ कोई रिवर निकली है, ठीक है, वहाँ कोई रिवर निकली है, वहाँ कोई लेक देखने को मिल सकती है, वहाँ कोई आपको हिल्स देखने को मिल सकते हैं, आपको वहाँ कुछ पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं। ये नेचुरल फीचर हो गए। कुछ आपको आर्टिफिशियल फीचर देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो मैन मेड होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जिसको ह्यूमन ने बनाया है। तो आर्टिफिशियल फीचर में मान लीजिए कोई बिल्डिंग आ गई, कोई आपको बिल्डिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, उस एरिया में। कोई आपको रोड देखने को मिल सकती है। ये सब क्या है, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई रोड हो गई, कोई आपको रेलवे लाइन देखने को मिल सकती है, ठीक है, आपको कोई कैनाल्स देखने को मिल गया है। ये सब क्या होते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल फीचर होते हैं। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में अपन जब कहीं सर्वेइंग करते हैं, कोई मान लीजिए आपको रोड वगैरह बनानी है, तो एरिया में जाके सर्वे करेंगे। जो टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब होता है कि भाई वहाँ नेचुरल फीचर क्या है जो पहले से हैं, और आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। या फिर आर्टिफिशियल को बोलते हैं मैन मेड फीचर, क्या बोलते हैं, मैन मेड फीचर भी बोला जाता है, मैन मेड फीचर भी बोला जाता है। तो नेचुरल में जो ऑटोमेटिक प्रकृति ने बनाई है, और आर्टिफिशियल फीचर में जो ह्यूमन ने बनाए हैं, इन दोनों के बारे में जाके आप स्टडी करते हैं, कितने कितने दूरी पे हैं, इन सब के लोकेशन के बारे में आप आइडिया लगा लेते हैं, इन सब के लोकेशन के बारे में आप आइडिया लगा लेते हैं। जो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए, जिसके लिए होता है प्रॉपर्टी लाइन को, प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए होता है। या फिर जो लैंड होती है ना, लैंड, जमीन, जमीन एक दूसरे को जब ट्रांसफर की जाती है तो वहाँ यूज होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। जिसे मान लीजिए ये आपका एज लैंड है, आप इसमें इतने पोर्शन को आपने फिल कर दिया, इतने पोर्शन को आपने किसी को दे दिया, तो अब इसकी बाउंड्री लाइन फिक्स करनी होगी। तो इसके लिए अपन जो सर्वे करते हैं वो आपका होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे अपन करते हैं, तो कैडेस्ट्रल सर्वे केस में जो चैन यूज होती है वो तो कौन सी चैन यूज होती है, और उसका लेंथ कितने होता है, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन जो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए किया जाता है, लैंड का एरिया कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, लैंड की बाउंड्री को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अगला टाइप का जो सर्वे है वो फिटी सर्वे। फिटी सर्वे क्या होता है, फिटी सर्वे मतलब होता है कि जो फिटी के अंदर जो सर्विसेस होती हैं, फिटी के अंदर जो सर्विसेस होती हैं। अब फिटी के अंदर सर्विसेस क्या क्या हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें तो वाटर सप्लाई स्कीम कोई है, वाटर सप्लाई, कोई सीवेज लाइन जा रही है, कोई सीवेज लाइन जा रही है, ठीक है, कोई वहाँ गार्डन बना हुआ है, ठीक है, गार्डन है, कोई पार्क, वही गार्डन है, पार्क है, ठीक है, गार्डन है, कोई पार्क है। रोड नेटवर्क सिटी के अंदर कैसा है, रोड नेटवर्क उस टाउन के अंदर कैसा है, इन सब के लिए, यानी सिटी के अंदर जो जो सर्विसेज अपन प्रोवाइड करते हैं, सिटी के अंदर जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सभी जो सर्विसेज होती हैं सिटी के अंदर जो जो अपन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिटी के अंदर जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
वो आपके किस में आ जाती है, सिटी सर्वे के अंतर्गत आ जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने बोला कि हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसके अंतर्गत पहला हमारा जो अलग अलग उद्देश्य के अलग अलग तरीके सर्वे को क्लासीफाई करते हैं। पहला हमने देखा कि नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर, जिसमें हमने लैंड सर्वे को देखा। क्या देखा? लैंड सर्वे होता है, मेरीन सर्वे होता है और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। लैंड सर्वे हमने देखा, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी अच्छी जानकारी हो गई है। आगे यदि हम बात करें, अगले टाइप का जो सर्वे है वो मेरीन सर्वे या फिर हाइड्रो, यहाँ पर देखिए सबकी डिफिनेशन लिखी हुई है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। अगला अपना सर्वे है मेरीन सर्वे या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। जब अपना हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो भी सर्वे होंगे अपना वाटर वाले होंगे। क्या होंगे? वाटर वाले। अब कोई रिवर है, रिवर के अंदर डेप्थ ऑफ वाटर पता करना है, वहां अपन कौन सर्वे करेंगे? हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। मान लीजिए रिवर में पानी का फ्लो हो रहा है, क्यों फर? अब रिवर के अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी मेजर करनी होगी। इसके लिए अपन जो सर्वे करते हैं वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। क्या सर्वे होता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। कोई ब्रिज वर्क हो रहा है तो उसका जो अबटमेंट होता है ना, अबटमेंट पढ़ाएंगे अभी आपको रेलवे एंड ब्रिज के अंदर सारी चीजें। तो ब्रिज का जो अबटमेंट होता है ना वो पानी के अंदर होता है, उस टाइम पे भी सर्वे जब करते हैं तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे या फिर मेरीन सर्वे कहलाता है। नेविगेशन है ना, पानी के अंदर होता है तो वहाँ आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। मेन सी लेवल पता करना है। मेन सी लेवल क्या होता है, अभी आपको ना लेवलिंग वाले चैप्टर में अच्छे से करवाएंगे, लेवलिंग वाले चैप्टर में। बट समझ लीजिए, मान लीजिए कोई समुद्री इलाका जहाँ पानी भरा हुआ है, तो समुन्द्र के अंदर जो बहुत सारे पानी में उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, राइज एंड फॉल होता है, या टाइड जो होता है ना, टाइड का जो फ्लक्चुएशन होता है, वो जो फ्लक्चुएशन का लगभग 19 साल तक मेजरमेंट लेते हैं, 19 साल तक। फिर उसका जो अपन एवरेज निकल के आता है ना, वही आपका मेन फी लेवल होता है, ठीक है। पर समझिए कि समुद्र के पानी का एक बीच का लेवल मेन फी लेवल, इतना ध्यान में रखिए, बाकी तो लेवलिंग में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, अब मान लीजिए कोई रिवर फ्लो रिवर क्रॉस सेक्शन का एरिया पता करना है, उस केस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे रिलेटेड टू वाटर सर्वे आपके सब इंजीनियर 2016 में सवाल पूछा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। अगले टाइप का जो सर्वे होता है नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर, तीन टाइप से हमने सर्वे को क्लासीफाई किया, पहला लैंड सर्वे, दूसरा आपका मेरीन या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तीसरा आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि जो आपके हेवनली बॉडीज होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई मून है या फिर कोई स्टार का फिक्स लोकेशन है, आप धरती से यानी अर्थ पर उसकी हाइट वगैरह मेजर कर रहे हैं, वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आता है। क्या आता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आता है। तो क्लियर हो गई चीजें। हमने पहले नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर सर्वे को क्लासीफाई किया था, तो हमारा लैंड सर्वे था, लैंड में मेरीन सर्वे था या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे था, तीसरा आपका आता था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे में सर्वे को अलग अलग तरीके से हमने क्लासीफाई किया था, टोपोग्राफिकल सर्वे, लैंड सर्वे में पहला टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, मेरीन सर्वे हमने देख लिया, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हमने देख लिया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। आगे हम बात करने वाले हैं उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर, या फिर पर्पज कहिए फिर ऑब्जेक्ट कहिए, ठीक है, पर्पज कहिए फिर ऑब्जेक्ट कहिए, वही चीजें होती है, उसके आधार पर सर्वे का क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। ओके, अब देखिए उद्देश्य के आधार पर या पर्पज के आधार पर जो सर्वे का क्लासिफिकेशन होता है ना, पहला हमारा सर्वे है इंजीनियरिंग सर्वे। अब कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, मान लीजिए आपको रोड बनाना है, आपको रिजर्वायर बनाना है, आपको वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है, तो इसके लिए भी इसको बनाने से पहले भी सर्वे करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपको वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा भैया कि वाटर सप्लाई स्कीम तो बनानी है, लेकिन वहाँ जनता कितनी है, उस एरिया में जनता कितनी रहती है, पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा। तो अब उस एरिया में जनता कितनी रहती है, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा ना, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा हमारे पास रहेगा भाई, इतनी पॉपुलेशन है, फिर हम देखेंगे पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। मान लीजिए जिनको पानी चाहिए होता है, अब डिपेंड करता है किस टाइप के लोग रहते हैं, अमीर रहते हैं, गरीब रहते हैं, यानी LIG वाले रहते हैं, लो इनकम ग्रुप वाले, HIG वाले रहते हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले, 270 लीटर पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए इनको, कितना पर डे पानी चाहिए, लीटर पर डे कितना पानी चाहिए इनको, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकल के आएगा। फिर हम देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकलने के बाद
हमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ वाटर बनाना पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ वाटर भी बनाना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ वाटर क्या है? फोर्स ऑफ वाटर ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ही होगा एक तरीके का। तो फोर्स ऑफ वाटर जो भी आप बनाएंगे, ठीक है, अब फोर्स ऑफ वाटर क्या, वो उतना पानी अवेलेबल करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। तो ये आपका आ जाता है इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर। ये जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, क्या क्या डेटा, कितने लोग रहते हैं, फिर कितने लोग रहते हैं, तो लोग वाला डेटा जो सर्वे होगा ना, वो आपके इंजीनियरिंग में सर्वे आ जाएगा। क्योंकि कितने लोग रहते हैं ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी का सब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। फिर आके आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे मेथड आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो उस सब्जेक्ट को भी हम ही पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। उस सब्जेक्ट को मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर भी। ठीक है, बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे, या फिर कोई रिजर्वायर बनाना है या फिर कोई रोड बनाना है, तो रोड के अंदर भी हम देखते हैं कि भैया रोड, ये जो रोड अपन बनाने वाले हैं, इस किस किस गाँव से होकर पास करेगी, कौन कौन सी रोड कनेक्ट करेगी, क्या नेशनल किसी नेशनल हाईवे पे स्टेट हाईवे कनेक्ट करेगी, उन सबका जो डेटा निकाल के लाते हैं, तभी तो आगे का प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट करवा कर पाएंगे। तो ये आपका सब इंजीनियरिंग सर्वे में होता है। दिस सर्वे आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ सफिशियंट डेटा फॉर डिजाइनिंग इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है, हमारे पास सफिशियंट डेटा होना चाहिए उस इंजीनियरिंग वर्क को डिजाइन करने के लिए, दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग सर्वे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करने वाले हैं मिलिट्री सर्वे के बारे में। मिलिट्री सर्वे के अंदर अपन देखते हैं कि दिस सर्वे आर कैरिड आउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैप ऑफ द मिलिट्री इंपोर्टेंस। बहुत सारी लोकेशन वगैरह डिफाइन करनी होती है, ठीक है, मिलिट्री के लिए। उस केस में जो सर्वे किया जाता है, या फिर मिलिट्री अब वहाँ पता है लड़ाई वगैरह तो होती रहती है कुछ भी, तो वहाँ पास जो आपके लोकेशन वगैरह डिफाइन करनी होती है तो मैप के अंदर, उसके लिए मिलिट्री सर्वे करते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री कुछ भी काम हो उसके लिए, कोई मैप वगैरह बनाना हो तो फिर मिलिट्री सर्वे में आ जाएगा। माइन सर्वे का मतलब ये होता है कोई भी आप मिनरल, कोई भी खनिज वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे, जैसे कोई कॉपर है, कोई गोल्ड है, किसी टाइप का जो मिनरल जो जमीन के नीचे है उसके बारे में आप पता कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका माइन सर्वे के अंदर आता है। किसमें आता है? माइन सर्वे के अंतर्गत आता है। क्लियर है चीजें? आगे हम बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि जैसे अर्थ आपका है, ठीक है, अर्थ का उसमें लेयर बहुत सारी होगी। एक लेयर आपकी अर्थ क्रस्ट होती है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है उसके बारे में जानना, बहुत सारे टाइप के रॉक होगी उनके बारे में जानना, ये सब क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है जो एनिशियंट कल्चर होते हैं, एनिशियंट कल्चर वगैरह का जो मैप वगैरह स्टडी करना, मैप वगैरह के बारे में मैप वगैरह रेडी करना, जो एनिशियंट कल्चर होते हैं, एनिशियंट जो पुरातात्विक कल्चर होते हैं उनके बारे में, वो आपका होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। किसमें आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सवाल पूछ देता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में किसके बारे में मैप रेडी करते हैं? एनिशियंट कल्चर के बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे में जो अर्थ का अर्थ क्राफ्ट वगैरह होते हैं कंपोजिशन के बारे में, या फिर बहुत सारे जो चट्टाने वगैरह होते हैं उनके डिफरेंट स्टेटा को स्टडी करने के लिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पता हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे पता हो गया, सारे इंजीनियरिंग सर्वे हमने देखा, मिलिट्री हमने देखा, माइन देखा, जियोलॉजिकल देखा, आर्कियोलॉजिकल देखा। ये आपके ऑब्जेक्ट के आधार पर सर्वे का क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर सर्वे का क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, यानी सर्वे करने के लिए आप किस किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके आधार पर सर्वे को कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं। ये आपके जो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वही आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जैसे यदि आप चैन का यूज करते हैं, तो आपका चैन सर्वे हो जाएगा। चैन यूज करेंगे तो कौन सर्वे हो जाएगा भाई? चैन सर्वे हो जाएगा। यदि आप चैन का यूज करेंगे तो चैन सर्वे हो जाएगा। कंपास का यूज करेंगे तो कंपास सर्वे हो जाएगा। थियोडोलाइट का यूज करेंगे तो थियोडोलाइट सर्वे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो चैन सर्वे होता है, चैन सर्वे इसके में अपन क्या करते हैं? लीनियर मेजरमेंट करते हैं। क्या होता है लीनियर? डिटेल में तो आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लीनियर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। अब लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो इसमें अपन चैन का यूज करते हैं या फिर अपन टेप का यूज करते हैं? चैन या टेप का यूज करते हैं, ठीक है। तो चैन सर्वे के अंदर केवल क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ चैन या फिर टेप। कंपास सर्वे में अपन क्या करते हैं? एंगल का मेजरमेंट होता है। कंपास सर्वे में एंगल का मेजरमेंट करते हो तो कंपास यूज करते हैं। छोटो लाइट में भी अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस या फिर एंगल का मेजरमेंट होता है। प्लेन टेबल सर्वे में है ना, आगे इनके बारे में बात करें, बस नाम याद रखें। प्लेन टेबल सर्वे, टैक्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, ईडीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट,
ये आपका जो जिस टाइप का आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसी टाइप का वो आपका सर्वे हो जाएगा। अब इनके बारे में आप बातें करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। चैन होता है, कंपास होता है, थियोडोलाइट होता है, प्लेन टेबल होता है, टैक्योमेट्रिक होता है, फोटोग्रामेट्रिक होता है। इनफेक्ट आप ऐसा देखिए कि आप पूरे सर्वेइंग के अंदर आप क्या करने वाले हैं, रिलेटिव पोजिशन ही पता करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे, डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे और एलिवेशन का मेजर करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। अब यहाँ पर आप डिस्टेंस मेजर करने के अपने लीनियर मेजरमेंट कर लिया चैन सर्वे। अब यहाँ पर आप डायरेक्शन मेजर करनी है तो आप ट्रैवर्सिंग वगैरह करनी पड़ेगी। फिर आपको जब एंगल वगैरह मेजर करना है तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, तो ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको बेफ्ट एन इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया कि बेफ्ट एन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ सर्वे के आधार पर। एक होता है ट्रायंगुलेशन सर्वे, दूसरा होता है ट्रैवर्स सर्वे। एक होता है आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पूरा का पूरा एरिया होता है ना उसमें ट्रायंगल में अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में, और हर एक ट्रायंगल का एरिया का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे में होता है। ट्रैवर्स सर्वे में क्या होता है, ट्रैवर्स सर्वे के अंदर भी इसमें लेंथ का मेजरमेंट भी होता है और एंगल का मेजरमेंट भी होता है ये ट्रैवर्स के अंदर। अभी बिल्कुल हम नहीं बताएंगे, कंफ्यूजन होगा, उसको आगे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ सर्वे, ये भी चीजें आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक जो काम की चीज थी आपके लिए, वो आपका जो पहला वाला सर्वे था नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर देखेंगे, फिर पर्पज के आधार पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रहे तो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रहे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया कि सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर, पर्पज के आधार पर, और इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के यूज करते हैं उसके आधार पर, और सिस्टम ऑफ सर्वे के आधार पर। ओके, अब इससे थोड़ा आए हुए सवालों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आए हुए सवालों को एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल सवाल है, इसको बाद में देखेंगे। इसको देखिए, सब इंजन 2016 में सवाल पूछा हुआ है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन अकाउंट। कर्वेचर ऑफ अर्थ जिसमें कंसिडर कर लेते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन अकाउंट, यानी जियोडेटिक सर्वे हो जाएगा। अगले टाइप का जो सर्वे है ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से है। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। इसको देखिए, 2016 में आया था, नेम द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच मेन स्क्वायर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन, स्फेरॉइडल शेप ऑफ अर्थ इज इलेक्टेड। यानी अर्थ के जो सरफेस हमने प्लेन सरफेस मान लिया है और स्फेरॉइडल यानी कर्वेचर शेप को हमने निगलेक्ट कर दिया है, वो आपका प्लेन सर्वे में ही आता है। ठीक है, 2018 में आया है सब इंजीनियर के अंदर क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विथ मैपिंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज के बारे में, कैनाल सिस्टम, कलर मूवमेंट, जो हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, तो लार्ज वाटर बॉडीज के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तो यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लिए हुए हैं वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से। जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वाला टॉपिक करेंगे ना, तो उसको अच्छे से देख लेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में देखेंगे कि जनरली दो प्रिंसिपल होते हैं, है ना, उन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, उनके थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं उसको देखेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने खुद के नोट्स अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे गए हैं साथ साथ टॉपिक के अंतर्गत हम करवाते जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो क्वेश्चन छूट जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, उन्हें वहां हम लास्ट में एक या दो सेशन में कवर कर लेंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत होता है। जो भी टीचर आपको द सिविल पॉइंट के अंदर पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार पढ़ाएंगे। तरीका अलग अलग हो सकता है, वो सकता है हमारा तरीका अलग है और टीचर का अलग हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको देंगे ना सारे सवाल आपके बन जाएंगे। काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, है ना, आपको 2022 के अंदर। और अभी आपने देखा रिसेंटली द सिविल पॉइंट ने बहुत सारे बैचेस कम्प्लीट किए हैं, जैसे आपका चाणक्य बैच कम्प्लीट हुआ था, किसके लिए, ITI प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 एंड डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट था। बस यही होता है कि मेहनत करनी पड़ती है, टाइम आपको देना पड़ता है। जैसे अभी हमारे पास क्या है ना, अभी सितंबर का टाइम चल रहा है, ये आपका 21 सितंबर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 21 सितंबर 2024 को। ठीक है, फिर आप नवंबर में पढ़ेंगे, काफी अच्छा नवंबर में एग्जाम है। अब मान लीजिए आप जुलाई में ज्वाइन करते हैं, जून में ज्वाइन करते हैं,
अगस्त में ज्वाइन करते हो उस टाइम पे आपका प्रेफर रहेगा, फिर क्रैश कोर्स करवा दीजिए। लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रेफर नहीं है ना, तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से फील करते हुए चलेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि 20 घंटे में कवर करना है, डिटेल में पढ़े 50-60 घंटे जितना भी टाइम लगे सब्जेक्ट में। खूब अच्छे से हम सही फैकल्टीज के पास क्या है ना, हम फ्रीडम देते हैं कि भैया आप पढ़ाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए। पर हमारे जो स्टूडेंट है जो ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ ना, सबको समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट को कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना फ्रीडम हमारे यहाँ रहता है, तो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो सब्जेक्ट हम लेते हैं फिर हमारी टीम के लोग लेते हैं वो भी ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं, तो कंटेंट शानदार मिलेगा। टीचर बहुत अच्छे से आप फ्री फीलिंग के साथ पढ़ाते हैं, है ना, कोई प्रेफर नहीं रहता उनके पास, तो कंटेंट की क्वालिटी शानदार निकल के आती है। और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सअप करिए कि सर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर बिल्कुल हम अच्छे से ध्यान देते हैं। ओके, तो आगाज बैच के साथ जुड़िए, लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत मिलते हैं। तो लेक्चर 3 के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।